हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज आप सबके बीच में राधा गोविंद के चरण कमलों में भगवान के बारे में कुछ कथा करने का मौका मिल रहा है, इसके बारे में बहुत कृतज्ञ हूँ। और इतना अप्रतिम सुंदर मंदिर है, बिल्कुल नैसर्गिक और आध्यात्मिक का एक बहुत सुंदर संगम है ये। तो जो भगवान का अनुभव है मंदिर में हम कर सकते हैं, और ख़ास करके ऐसे वातावरण में हमें लगता है कि हमारे आजकल के जीवन में जो कुछ हम जी रहे हैं उसके परे भी कुछ है, उससे ऊंचा कुछ है, और वो हमें महसूस करना है, वो हमें प्राप्त करना है। ऐसी इच्छा, ऐसी उत्कंठा जागृत हो सकती है जब हम भक्तों के संग में ऐसे दिव्य वातावरण में आते हैं। तो आज मैं भगवद्गीता के भगवान ने जो आखिरी श्लोक बोला है उसके आखिरी शब्द के आधार पर आज की चर्चा करूँगा। तो भगवान ने 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में वो अपनी भाषा बंद करते हैं, जो बोलते हैं कच्चिद एतच्छ्रुतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। तो आखिरी शब्द जो भगवान इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? धनंजय। धनंजय का अर्थ किसी को पता है? धन जिन्होंने प्राप्त किया, जो अर्जुन है वो उनको धनंजय इस नाम से संबोधित किया है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है यहाँ पे कि भगवद गीता जो है ये वास्तव में एक दिव्य धन है, और भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन क्या आपने ध्यानपूर्वक सुना मेरा संदेश? क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया है? क्या तुम्हें ज्ञान रूपी जो धन है वो मिल गया है? तो धन अलग अलग प्रकार से होता है। अभी साधारणतः हम धन क्या है, पैसे को धन बोलते हैं, सही है एक तरह से। पर अगर कोई बीमार व्यक्ति है और उसके लिए दुनिया में सिर्फ एक ही दवाई है उस बीमारी के लिए, तो फिर उसके लिए क्या होगा? सबसे मौल्यवान चीज़ जो है वो क्या है? वो दवाई बन जाएगी। तो उसके लिए जो असली धन है वो दवाई है। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई रास्ते पे जा रहा है, अमेरिका में एक भक्त मुझे लेके जा रहे थे एक जगह पे दूसरी जगह पे, और भारत में कैसे होते जब ड्राइविंग करते हैं, तो अभी हम कुछ पाश्चात्य देश से अमेरिका स्विट्ज़रलैंड आदि देशों से रशिया से 20-25 योगियों को वृंदावन की यात्रा लेके गए थे। तो जब इसके पहले अमेरिका के इस्कॉन मंदिर में भी नहीं आए हैं, पहली बार डायरेक्टली इंडिया में आ गए और फिर वो वृंदावन में आए थे। तो बोल रहे थे कि भारत में जैसे लोग ड्राइविंग करते हैं वो देख के तो हमको, बोले पहले तो ऐसा लगा कि पूरा केओस है, पूरी गड़बड़ है, पर सब लोग इतना शांति से इस गड़बड़ में चल रहे हैं वो देख के हमको लगा इसमें भी कुछ ऑर्डर है। सो देयर इज ऑर्डर इन द केओस, ये गड़बड़ में कुछ योजना है, कैसी योजना हमको समझना है। तो क्या है, अमेरिका में अगर हम ड्राइव कर रहे हैं कभी कभी ऐसे लंबे रास्ते होते हैं और कई समय तक कोई दिखता ही नहीं उस रास्ते पे, खास करके आप मेनलैंड में जाओगे तो, और वहाँ पे सब लोग GPS यूज़ करते हैं, किसी का मैप नहीं होता, नकाशा नहीं होता है, GPS सब यूज़ करते हैं और गूगल मैप बताता है यहाँ जाओ वहाँ जाओ। और जब एक वक्त मुझे ड्राइव करके लेके जा रहे थे और वो ऐसे अंदर वो एक बहुत ही ऐसे बैरन एरिया था जहाँ पे कुछ भी नहीं था, और वहाँ पे उनका GPS काम करना बंद हो गया और वहाँ पे हम इंटरसेक्शन पे आ गए, यहाँ जाना है यहाँ जाना है वहाँ जाना है, और वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो अभी क्या करें? वो भक्त भी ड्राइव कर रहे थे। तो क्या होता है कभी कभी भक्तों की सेवा करने का उत्साह होता है पर सेवा करने की क्षमता नहीं होती है। तो बोले थे मुझे ड्राइव करेंगे वो, पर वो भी इस इलाके में पहली बार आए थे। तो फिर अभी उस समय हम रुके थे कोई आएगा किसी को पूछेंगे हम, और क्या होता है वहाँ पे
कई बार लोग होते हैं जैसे ओ क्योंकि सुनसान रास्ता होता है तो लोग रुकने को भी थोड़ा डरते हैं, तो फिर बाद में हमको अंत में एक व्यक्ति रुक गया, उसने हमको बताया इधर जाओ इधर जाओ, तो तभी हमको समझ में आया कि वास्तव में कि अगर हम रास्ते पे घूम गए तो सबसे मौल्यवान चीज़ क्या है, दिशा है, एक नकाशा है। तो उसी तरह से अर्जुन भगवद्गीता के शुरुआत में वो घूम गए हैं, रसायन भूमि पे ही है पर उनका मन घूम गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये करना है या वो करना है। तो हम एक हम एक गाड़ी में सैर कर रहे हैं तभी घूम गए तो एक शारीरिक घूम जाते हैं, पर जीवन के प्रवाह जीवन के सैर में अगर हम मानसिक रूप से घूम जाते हैं क्या करना है पता नहीं होता है तो फिर बहुत समस्या हो जाती है। और ऐसे ही बहुत से लोग आज की दुनिया में भी गुमराह हो गए हैं, को पता नहीं है क्या करना है क्यों करना है। और जैसे अर्जुन को उस समय भगवान ने भगवद्गीता का ज्ञान दिया, उन्हें बताया कि क्या है कि आपको किस मार्ग में चलना है। तो यह धन है, उस धन के बाद की प्राप्ति से अर्जुन का मन शांत हो गया, अर्जुन का हौसला पुनः आ गया, अर्जुन का संकल्प पुनः निर्धारित हो गया। तो जब भगवान कह रहे हैं अर्जुन से धनंजय, ये धनंजय का मतलब क्या है कि जीवन में हमें क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, यह समझना, यह जो ज्ञान है वह हमें भगवद्गीता देती है। दो चीज़ें हैं कि एक है भौतिक ज्ञान है, दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान है। मटीरियल नॉलेज टेल्स अस व्हाट टू डू इन लाइफ, स्पिरिचुअल नॉलेज टेल्स अस व्हाट टू डू विथ लाइफ, जिंदगी में क्या करना है। ठीक है, मुझे ये डिग्री प्राप्त बनानी है, मुझे घर खरीदना है, मुझे नौकरी चाहिए, उसके वो सब ज्ञान हमको भौतिक ज्ञान दे देगा, पर जिंदगी के साथ क्या करना है, जिंदगी में अंत में हमें क्या प्राप्त करना है, वह जिंदगी का अंतिम उद्देश्य क्या है, वह आध्यात्मिक ज्ञान हमें बताता है। और अगर वो ज्ञान नहीं है तो लोग पूरे गुमराह हो जाते हैं। और आजकल अधिकांश लोग जो डिप्रेशन का बहुत समस्या आ गई है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोग बुरे बुरे आदतों में फंस जाते हैं, उसके आपके अलग अपने अपने कारण हो सकते हैं, पर एक मूलभूत कारण है कि जीवन में कुछ प्रेरणादायक दिशा नहीं है, मुझे क्या करना है मेरे जीवन में। तो ये जो अर्जुन को भगवान ने भगवद्गीता में ये ज्ञान दिया है, ज्ञान वे वास्तव में एक बहुत बड़ा खजाना है, धनंजय। जब ये धन प्राप्त हो जाता है तो हमें जीवन का क्या उद्देश्य है वो पता चल जाता है। उसके बिना हम जो भी प्राप्त करें, ये प्राप्त करें वो प्राप्त करें वो प्राप्त करें, सब कुछ अच्छा है, अच्छा हो सकता है, पर उससे कुछ अंतिम सुख नहीं मिलेगा। अंतिम सुख तभी हमें मिलता है जब हमें जीवन का अंतिम उद्देश्य पता होता है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है यह हमें बताता है कि हमें जीवन में अंत में क्या प्राप्त करना है। और जो भगवद्गीता का जो ज्ञान है वही श्री प्रभुपाद जी ने उनके भगवद्गीता के तात्पर्य में हमें दिया है, और वही ज्ञान और आसान पद्धति से हमको प्रभुपाद जी की ने जो भगवत दर्शन यह जो ग्रंथ जो मासिक है उसमें दिया है। अभी मैं ये प्रवचन है इसमें 5 पॉइंट लूँगा, शेयर एक्रोनिम लूँगा मैं SHARE की, हमें क्यों और कैसे यह आध्यात्मिक ज्ञान है वो दूसरों को देना है, दूसरों के साथ बांटना है। तो अभी जो पहला एस है वो है साधना। साधना का मतलब क्या है, वह कार्य जिसके द्वारा हम भगवान से खुद का संबंध जोड़ते हैं, हम जप करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, इन सब के द्वारा हम भगवान के करीब जाते हैं। अभी भगवान के करीब जाने के लिए ये केवल एक भावना नहीं है, ये वास्तव में एक साधना है। साधना के द्वारा भावना आती है। कोई लोग कहते हैं कि भक्ति तो हमेशा मेरे हृदय में होती है, 24 घंटे भगवान का नाम चल रहा होता है। अच्छी बात है 24 घंटे भगवान का नाम चल रहा है, पर 24 घंटे अगर भगवान का नाम अंदर चल रहा है तो 1 मिनट बाहर क्यों नहीं आता है।
तो साधना मतलब क्या है? वो कार्य है जिसके द्वारा जो हमारे अंदर भावना है वह बाहर आती है, और अगर अंदर भावना नहीं है तो साधना के द्वारा भावना जागृत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको इतना जप करने की क्या जरूरत है, एक बार भगवान का नाम ले लो आप शुद्ध हो जाएंगे। हाँ वो सही है, एक बार भाव से नाम ले लेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। वो कैसे है, कोई ओलंपिक में कोई धनुर्विद्या का कॉम्पिटिशन है, उसमें आप एक तीर मारो आपको गोल्ड मेडल मिल जाएगा। ये सही है, पर वो एक तीर निशाना पे लगने के लिए हजारों तीर प्रैक्टिस में मारने पड़ते हैं। तो एक नाम भाव से लेने के लिए हमको साधना करनी पड़ती है। कोई कहते एक नाम भाव से ले लो, वो सही है, पर समस्या ये है कि भाव का अभाव है। तो वास्तव में हमें भाव की जागृति करनी है। तो अभी यहाँ पे ये ग्रंथ वितरण जो है उसका साधना से क्या संबंध है? प्रभुपाद जी ने हमको बताया है कि साधना मतलब वही चीज़ नहीं है कि जो जिसके द्वारा हम भगवान से संबंध जोड़ते हैं, पर साधना वो भी है कि जिससे हम दूसरों को भगवान से जोड़ते हैं। तो ऐसे नहीं है कि हमको शुद्ध होने के बाद फिर दूसरों को भगवान का संदेश देना है, नहीं। भले ही हम अभी अशुद्ध क्यों ना हो, हमें भी ज्ञान भी ना हो, जितना ज्ञान है उतना हम दूसरों को देने का प्रयास करते हैं, और खुद में कुछ ज्ञान है भी नहीं तो भी हम ग्रंथ दे सकते हैं। अभी इसके द्वारा क्या होता है, जब हम दूसरों को कुछ देते हैं, शेयर करते हैं, हम सबसे पहले जो एस है तो उसमें इस साधना में अगर हम ये देखते हैं कि यह भी एक सेवा है। भगवान आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे आते हैं इसलिए कि सबको उनकी ओर आकर्षित करने के लिए, और हम अगर उनकी योजना में सहयोगी हो जाते हैं तो फिर उसके द्वारा हमें भगवान की बहुत कृपा मिलती है। न चतस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रिय प्रत्तमः भविता न च मे तस्मान अन्य प्रियतरो भवि। भगवान कहते हैं कि जो मेरे संदेश का वितरण करता है उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है, सबसे अधिक प्रिय है मुझे। तो अभी भगवान का संदेश जो है अलग अलग पद्धतियों से दिया जा सकता है। एक है कि लोग प्रवचन में आके कथा सुन सकते हैं, कोई है कि हम उनको भगवद्गीता ग्रंथ देते हैं और वो पढ़ते हैं वो। तो अभी भगवद्गीता ग्रंथ में क्या है कि भगवद्गीता एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और बहुत से लोग उसको लेते हैं। तो इंग्लिश में हम कहते हैं भगवद्गीता यथारूप, उसको भगवद्गीता एज इट इज़। तो बहुत से लोग भगवद्गीता एज इट इज़ लेते हैं और बहुत से लोग भगवद्गीता एज इट इज़ वैसे ही रखते हैं। वो क्या करते हैं, उसको पढ़ते नहीं, बोलते इतना बड़ा ग्रंथ है कैसे पढ़ूंगा, कैसे समझूंगा मैं। तो इसीलिए क्या है, प्रभुपाद जी ने जो बैक टू गॉड है, भगवत दर्शन, जाऊ देवाचा गावा, सब अलग ये जो मासिक चालू किया है। मैं अमेरिका में एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में था, वाशिंगटन डीसी में। इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस मतलब अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं और वो सब बातचीत करते हैं। तो वहाँ पे एक क्रिश्चियन संस्था से एक प्रीस्ट आए थे, उनके एक प्रचारक आए थे, तो वे बता रहे थे वहाँ पे कि हम कई सालों से बाइबल का बहुत वितरण कर रहे हैं। बाइबल का ऐसा रिकॉर्ड है कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा वितरित किताब है। ऑफ कोर्स भगवद्गीता में जो सारे हिंदू ग्रंथ है उसमें श्री प्रभुपाद जी की जो भगवद्गीता है सबसे ज़्यादा वितरित है, वो तो वो भी एक रिकॉर्ड ही है। पर वो बता रहे थे कि हम बाइबल बांटते हैं, तो उन्होंने कुछ सर्वे किया तो कुछ लोग वो पढ़ते हैं, पर हम बाइबल के आधार पर जब मासिक बांटते हैं तो बहुत से लोग वो पढ़ते हैं। और वो बता रहे थे कि ये जो है मैगजीन्स आर द मोस्ट एक्सेसिबल फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज फॉर पीपल। ऐसे होता है कि मासिक होते हैं वह आध्यात्मिक ज्ञान और आसान पद्धति से मिल जाता है। तो ग्रंथ जो है पढ़ने को थोड़ा ये बड़ा ग्रंथ है कब मैं पढ़ूंगा, क्या होता है, बोलते हम पढ़ना है, ज़रूरी पढ़ना है, पर क्या है आज नहीं, और रोज़ होता है आज नहीं।
पर मासिक में क्या होता है, तीन फर्क होता है मासिक और ग्रंथ में. सबसे पहला होता है कि मासिक छोटा होता है. अभी भगवद्गीता 1000 पन्नों की है, 890 प्रभुपाद जी की तात्पर्य के साथ. अभी कोई भी मासिक 1000 पन्नों का नहीं होता है. मासिक होता है 40 पन्ने, 70 पन्ने, 90 पन्ने, जो भी है. तो क्या है, छोटा है तो लगता है मैं पढ़ सकता हूँ इसको. और उसमें दूसरी चीज़ उसमें यह होती है कि उसमें भी छोटे छोटे ग्रंथ होते हैं, छोटे छोटे लेख होते हैं. तो क्या होता है, व्यक्ति को लगता है ठीक है मैं पूरा किताब पूरा नहीं पढ़ूंगा तो उसको अधूरापन लगता है. पर मासिक में एक लेख भी पढ़ लिया तो थोड़ा पूरा, मैंने कुछ किया, थोड़ा कुछ तो पढ़ लिया मैंने, कुछ तो समझ में ऐसे लगता है. तो क्या होता है कि एक ऐसे सेल्फ डेवलपमेंट, खुद को अगर इम्प्रूव करना है, खुद को अच्छा बनाना है, उसमें एक बताया जाता है, एक पद्धति बताई जाती है, स्मॉल सिंपल स्टेप्स, कि छोटे से और साधारण कदम आप आगे लो. अगर उतना आप करोगे धीरे 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 आप आगे कर पाओगे. तो मासिक क्या होता है, छोटा होता, छोटा होता है, उसमें लेख भी छोटे होते हैं. तो एक लेख तो पढ़ लूँगा और फिर उसके बाद एक अच्छा लगा मुझे लेख, एक और पढ़ लेता हूँ. और तीसरा उसमें क्या होता है, नयापन होता है. हर एक महीने में, हर दो महीने में नया कुछ आ रहा है. तो क्या होता है कि हमारा मन जो होता है हमेशा कुछ नई चीज़ चाहता है. तो कुछ अभी भगवद्गीता है 5000 साल से है, 5000 साल से नहीं पढ़ी है मैंने, 5000 एक साल नहीं पढ़ी तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा हमारा मन बोलता है. पर इस महीने का मासिक है, चलो पढ़ लेते क्या इस महीने में, देखते हैं. तो जब हम आध्यात्मिक ज्ञान दूसरों को देते हैं तो इस पद्धति से देते हैं कि जो आसानी से पढ़ सके. तो ये जो अगर हम साधना के रूप में देखते हैं कि जैसे मैं जप करता हूँ वैसे ही एक सेवा है कि दूसरों को ये ज्ञान, दूसरों को ये ज्ञान दूँ मैं. और ऐसे पद्धति में ज्ञान दो कि वो तो आसानी से ले सके, आसानी से स्वीकार कर सके. तो यह है साधना. फिर मैं क्या एक्रॉनिक का शब्द ले रहा हूँ, मैं शेयर. तो दूसरा क्या है इसमें अक्षर, एच. एच मतलब ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब नम्रता. अभी आध्यात्मिक मार्ग में अगर प्रगति करनी है तो हम सबको नम्रता जागृत करनी है. जितने हम नम्र हो जाएंगे उतने भगवान की कृपा हमको मिलेगी. क्योंकि क्या होता है, नम्र जो हृदय होता है वो भगवान से प्राप्त करने के लिए पात्र होता है. पर जो गर्व हृदय, गर्व से भरा हुआ हृदय होता है वो कैसे है, जो व्यक्ति खुद से ही भरा हुआ है, मैं इतना बड़ा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, तो वह व्यक्ति खुद से ही इतना भरा हुआ है कि भगवान को अंदर आने की जगह ही नहीं है. जैसे अगर ये ग्लास है, अगर ग्लास इसमें मुझे अगर पानी डालना है, पर इसमें अगर पहले से ही कुछ और भरा हुआ है, कोई जूस भरा हुआ है या कुछ और भरा हुआ है, तो पानी डालूंगा तो पानी बाहर आ जाएगा पूरा. तो वैसे क्या होता है, जो व्यक्ति का हृदय, जो व्यक्ति गर्व से भरा होता है तो क्या होता है, उसका हृदय, उसमें भगवान आ ही नहीं सकते. पर जब हम नम्र होते हैं तो ऐसे नहीं कि हृदय खाली होता है, नम्र होते हैं तो हमारा हृदय, खाली हृदय और खुला हृदय, इसमें फर्क है. खाली हृदय मतलब क्या है कि हृदय में कुछ है ही नहीं, पर खुला हृदय मतलब वो भगवान के लिए खुला है वो. सो ह्यूमिलिटी क्रिएट्स अ ओपन हार्ट, नॉट अ एम्प्टी हार्ट. तो उसके द्वारा अभी नम्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम अलग अलग पद्धति है. साधारणतः नम्रता सोचते हैं कि अगर हम भगवान के सामने आके प्रणाम करते हैं, वरिष्ठ भक्तों को प्रणाम करते हैं, वो एक प्रकार की नम्रता है. हमारे घर में कोई वरिष्ठ है तो उनको हम प्रणाम करते हैं, एक प्रकार की नम्रता है, ये अच्छी है. पर नम्रता का वास्तव में अर्थ क्या है, नम्रता का यह अर्थ है कि हम, ह्यूमिलिटी मीन्स टू नॉट लेट आवर ईगो कम इन द वे ऑफ आवर सर्विस, ऑफ आवर पर्पस. हमारा जो उद्देश्य है, उद्देश्य के बीच में हमारा अहंकार हम आने नहीं देते. तो जब हम किसी को ग्रंथ देते हैं, अगर हम भक्तों के बीच में ही आते हैं, भक्तों के समान मानसिकता के लोगों के बीच में आते हैं, तो हम कुछ भक्ति करते हैं तो वो हमारा सम्मान करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और फिर उससे ज़्यादा क्या होता है, हम सब आसानी से जीवन जी सकते हैं. और ये अच्छी संस्कृति है. पर क्या है कि जब जो दो लोग भगवान को मानते नहीं हैं, जो लोग भगवान की भक्ति को इतना मानते नहीं हैं, उनके सामने जाते हैं, उनको अगर हम कुछ आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं
तो फिर क्या होता है, तभी हमको हमको थोड़ी नम्रता स्वीकार करनी पड़ती है। अभी जब अमेरिका में मैं मंदिरों में लेक्चर देता हूँ तो कोई 500, 1000, 300, 700, 800 लोग होते हैं, पर अगर कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में 10, 20, 25, 30, 40 विद्यार्थी होते हैं, और वो सब कंपनीज में जाते हैं। कुछ समय पहले मैं इंटेल में, फिर माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में सब लेक्चर्स वगैरह दिए थे, तो वहाँ पे 30-40 लोग आते हैं, और ये सब लोग जो होते हैं वह रिसेप्ट, वह ऐसे नहीं है कि वो नम्रता से हमारी बात स्वीकार करने वाले। जब लोगों में, दूसरे में नम्रता नहीं होती है तो हमें नम्रता लानी पड़ती है। क्या होता है, अगर दूसरा व्यक्ति नम्र है तो फिर क्या है, उनसे बातचीत करने में हमको उस नम्रता की जरूरत नहीं पड़ती है। पर दूसरा व्यक्ति अगर बात स्वीकार नहीं कर रहा है, तो अगर हम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं और वो कुछ उल्टा ही बोलते हैं, कुछ तिरस्कार करते हैं, तो फिर तभी शांत रह के फिर भी अपनी बात को बताना, उसके लिए नम्रता लगती है। हम अगर किसी को उपदेश दे रहे हैं और वो हाँ बड़े हाथ जोड़ के नम्रता से सुन रहे हैं, तो फिर उससे हम नम्रता विकास नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर हाँ लोगों ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो इतने भक्ति में रुचि नहीं रखते हैं और उनको हम ग्रंथ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम एक सेवक का भाव स्वीकार कर रहे हैं, हम भगवान के सेवक हैं और हम भगवान का संदेश उनके पास जा रहे हैं। कभी वो स्वीकार करेंगे, कभी वो स्वीकार नहीं करेंगे। और ऐसे करने से क्या होता है, अगर वो भले स्वीकार करते तो अच्छा है, पर स्वीकार करते समय भी हमें क्या करना है, थोड़ा समझाना पड़ता है, थोड़ी याचना करनी पड़ती है, और उस सब से नम्रता का विकास होता है। और कई बार जब हम इस तरह से दूसरे लोगों के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं अच्छी तरह से, वो हमसे तिरस्कार भी कर रहे हैं तो भी हम शांत रहते हैं, और फिर उनसे बात करते हैं, तो उससे हम ज़्यादा नम्रता विकसित करेंगे, न केवल मंदिर में आके सिर्फ भगवान को प्रणाम करके। हाँ, वो भी ज़रूरी है, पर क्या है कि ऐसी परिस्थिति जिसमें हमारा अहंकार सामने आता है और वहाँ पे हम अहंकार आने नहीं देते हैं और हम नम्रता रखते हैं, हम शांत रहते हैं, नम्रता, तो उससे नम्रता का विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेरे एक मित्र है इसराइल में, और वो जो है उनके माता पिता, उनके फैमिली में, उनके परिवार में लगभग 27 PhD लोग हैं। उनके भाई, उनके बहन, उनके माँ, उनके पिता, उनके दादा, उनके सारे कजिन जो है, तो ये भी बहुत बड़े विद्वान हैं। तो बता रहे थे कि वो इसराइल में ग्रंथ वितरण कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या पद्धति होती है, वो ग्रंथ रखते हैं, वो वहाँ पे मैगजीन था टू गॉडहेड, और फिर उसके साथ साथ एक भक्त कीर्तन करता है और दूसरा भक्तों के लोगों को जो सड़क पे बैठ जाते हैं वो, और फिर सड़क पे फुटपाथ पे कॉर्नर में एक भक्त हारमोनियम लेके कीर्तन करता है और दूसरा भक्त जो होता है वो ग्रंथ बांटता है। तो ये भक्त बता रहे थे कि कई बार कोई लोग आते हैं चले जाते हैं और कोई ध्यान नहीं देता, तो एक बार जब वो जा रहे थे, उन्होंने किसी भक्त को दिखाया, ये किसी एक व्यक्ति को मैगजीन दिखाया, और वो व्यक्ति ने उसके ओर देखा और क्या किया, वो उसके ओर देख के उनके ऊपर थूक दिया। वो अभी ये जो है, उस समय तो इतना गुस्सा आ गया, क्या हो रहा है, पर तभी सोचा कि क्या है कि ये उनका भी दिव्य चेतना है कि ये भगवान मुझे शुद्ध करने का, शुद्ध होने का मौका दे रहे, नम्र होने का मौका दे रहे, और उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़ दिए और कुछ भी नहीं किया, और वो व्यक्ति चला गया, पर कुछ समय के बाद वापस आ गया। वो बोला कि तुम्हारा मासिक दो मुझे, तो क्या हो गया, वो बोला कि क्या हुआ था कि उसको गुस्सा बहुत आता था, तो उसका शॉर्ट टेम्पर था, गुस्सा जल्दी आता था, और वो एक थेरेपिस्ट के पास जा रहा था, साइकोलॉजिस्ट के पास, कि एंगर इशू, उसका गुस्सा कम करने के लिए। तो उसका तो वो क्या हुआ था, उसका उसके घर में इतने झगड़े हो रहे थे, उसके पत्नी ने उससे कहा था
कि तुम अगर तुम अपना गुस्सा कम नहीं करोगे तो मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगी। तो वो अपने गुस्से से बहुत परेशान हो गया था। तो क्या होता है, हमारा मन ऐसे होता है कभी हमें गुस्सा आ जाता है, हम फैसला करते हैं मैं गुस्सा नहीं करूँगा, और फिर भी गुस्सा आ जाता है। अगर हम किसी को बोलते हैं अभी नया साल चालू हो गया था, मैं क्रोध नहीं करूँगा, और फिर हमको क्रोध आ जाता है। फिर दूसरा व्यक्ति बोलते हैं कि तुम क्रोध कर रहे हो, मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तो क्या हो जाता है, हमें क्रोध पहले आता है और फिर हमें क्रोध आता है कि मुझे क्रोध आ रहा है। तो मन ऐसे है कि हमको फंसा देता है। तो फिर वो व्यक्ति बहुत पीड़ित था, क्या वो चाह रहा था कि मुझे क्रोध ना आए और फिर भी क्रोध आ रहा था। तो फिर उसके कारण वो अपने ही दिमाग में बहुत बहुत विचलित था, और ये भक्त ने उसको बैक टू गॉड दिखा दिया, वो बोला नहीं चाहिए मुझे, हाँ थूका मुझे आ गया। पर बाद में वो आगे गया, फिर उसने देखा ये व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया। उसको बोला अगर इसको अपने क्रोध पे इतना नियंत्रण है तो ये कैसे नियंत्रण मुझे पता करना है। तो फिर वो बोला तुम्हारे पास क्या है जो तुम तो क्रोध पे नियंत्रण कर लेते हो, ये ग्रंथ में होगा, मुझे ग्रंथ ले लो। तो उसने वो मासिक ले लिया। तो हमको तो शायद ऐसा कभी परीक्षा नहीं आएगा। पर फिर भी ये जो भाव है कि अगर हम नम्रता जागृत करते हैं तो उससे हम भगवान के करीब आ सकते हैं। और खास करके अभी हम अलग अलग प्रकार से भगवान का संदेश दे सकते हैं, पर जब हम लोगों के साथ सामने जाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, तो तभी हम आध्यात्मिक ज्ञान से नम्रता प्राप्त करने का बहुत अच्छा मौका है। तो ये था H। उसके बाद में क्या आएगा, A मतलब appreciation। appreciation मतलब कि ये प्रशंसा नहीं है, appreciation शब्द के कई अर्थ है इंग्लिश में, कि appreciation का एक अर्थ है प्रशंसा करना, किंतु यहाँ पे appreciation का एक अर्थ है कि हम खुद ये समझते हैं कि हमारे पास जो जो चीज़ है उसकी कीमत कितनी है। वी appreciate द वैल्यू ऑफ what वी हैव, क्या हमारे पास है उसकी कीमत हम और अच्छे से समझ सकते हैं। मैं कनाडा में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और मेडिसिन, आध्यात्म और दवाई, इस पे कॉन्फ्रेंस था। तो उसमें वहाँ पे बता रहे थे कि कैसे वो अभी दवाई तो बोले वैज्ञानिक है, तो उसमें आध्यात्मिक की ज़रूरत क्या है। तो बता रहे थे कि जो है आजकल का समाज ऐसे हो गया है कि लोग एक दूसरे की कीमत नहीं करते, लोग एक दूसरे की जो है वो चीज़ों को ज़्यादा महत्व करते हैं, लोगों का महत्व नहीं करते। तो उसके कारण क्या हो गया, सब बहुत ऑब्जेक्टिफाई हो गया, सब बहुत ही भौतिक बन गया है, उसके कारण संबंध भी नहीं टिक रहे। तो इसके कारण क्या हो जाता है, कई बार ऐसे हो रहा था कि वो दवाई भी बनाते हैं, तो जब दवाई बनाते हैं तो उन जो दवाई बनाने वाले हैं, ये पाउडर डालो, ये डालो, मिक्स करो उसमें, फिर इसको मशीन में डालो, फिर मशीन से उधर लेके जाओ, तो उस सब में काफ़ी चीज़ें मशीन से होती है, पर कुछ चीज़ें मानव को भी करनी पड़ती है। और अगर वो मानव वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं जो दवाई बना रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वो दवाई में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो अभी उनके लिए तो ये रोज़ की नौकरी है, रोज़ मुझे दवाई बनानी है, रोज़ मुझे यही करना है। पर जिनके पास ये दवाई जा रही है, उनके लिए जो ये दवाई लेने वाले हैं, उनके लिए जीवन और मृत्यु का ये सिलसिला है। वो अगर वो दवाई अच्छी तरह से नहीं बनी होगी, दवाई में कुछ मिलावट है या कुछ कमी है, तो फिर वो व्यक्ति मर सकता है उसके कारण। तो अभी तो वो क्या हो रहा था कि कई बार जो ऐसे फार्मेसी में जो मैन्युफैक्चरिंग में थे, जो बना रहे थे दवाइयाँ, वो थोड़े लापरवाह हो गए थे। तो फिर उन्होंने अब लोगों को डांटा, नहीं आप ध्यान दो, ध्यान से बनाओ ये, पर लोग फिर भी लापरवाह हो रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो फार्मेसी जो लोग थे जो बनाते थे, उनको बोला कि आप अगले एक महीने के लिए आपका जॉब चेंज हो गया, आपका क्या काम है, आप ये मैन्युफैक्चरिंग मत करो,
जहाँ पे एपिडेमिक है, जहाँ पे बहुत बड़ी बीमारी है, वहाँ पे जाके ये दवाई लोगों को सप्लाई करने का तुम्हारा काम है। और जब उन्होंने चालू किया तो उन्होंने अपने आँखों से देखा कि व्यक्ति कितना पीड़ा में है, उसको दवाई देते हैं उसको राहत मिलती है। और जब ऐसे वो देखने लग गए खुद, तो उनको समझ में आ गया कि ये दवाई कितनी महत्वपूर्ण है, दवाई की क्षमता कितनी है। और फिर उसके बाद में वो जब दवाई बनाते थे और ध्यान से बनाने लग गए। तो ठीक उस तरह से क्या है कि हम सबके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, और जो आध्यात्मिक ज्ञान है यह एक बहुत बड़ा खजाना है। जैसे एक वो दवाई बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर कई बार ऐसे हो जाता है कि हमको आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाता है और फिर उसके बाद में हम थोड़ा हम जप करते हैं, सत्संग में आते हैं, पर क्या है दुनिया में जो समस्या बाकी सबकी होती है हमारी भी समस्या होती है, और हमको लगता है इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसका मौल्य क्या है, इसकी कीमत क्या है, ये हमको इतने आसानी समझ में नहीं आती है। पर जब हम दूसरों को ये देने का प्रयास करते हैं और वो देने से उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। भक्ति में कैसे परिवर्तन होता है, पहले अगर कोई भक्ति स्वीकार करता है तो परिवर्तन काफ़ी हो जाता है। लोगों के बुरी आदतें होती है, बुरी आदतें चली जाती है, और फिर उनका उनका जो हुलिया है बदल जाता है, और उनके उनका व्यवहार बदल जाता है। तो बाद में भी हम भक्ति रोज़ करते हैं, अभी भी परिवर्तन हो रहा है, पर कैसे होता है वो परिवर्तन धीरे 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 होता है। जैसे कोई माँ होती है, उसका नवजात शिशु होता है, तो फिर क्या होता है वो जब नया जब शिशु होता है तो वो जब बढ़ता है तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। वो पहले से इतना छोटा सा होगा, फिर एक महीने में बड़ा हो जाता है, फिर एक साल में और बड़ा हो जाता है, फिर 15-16-17 साल का हो गया। उसके बाद में हम सब बढ़ रहे हैं, पर क्या है वो जो बढ़ रहे वो दिखता नहीं है। तो वैसे ही क्या होता है हमारे लिए, हम हमेशा साधना कर रहे हैं, उससे हम भगवान की ओर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पर हमारा जो परिवर्तन हो रहा है वो अभी सूक्ष्म स्तर पे हो रहा है। पर जब भक्ति में लोग नए आते हैं तो जो परिवर्तन होता है वो स्थूल स्तर पे होता है। कोई व्यक्ति की कोई बुरी आदतें होती है और वो बुरी आदतें ऐसे ही छूट जाती है। मैं अभी मायापुर में था तो एक रशिया से भक्त थे, उनसे बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि एक बार वो रशिया के वहाँ पे मंदिर के अध्यक्ष थे वो, तो उन्होंने वो मंदिर में बैठे थे और अचानक फ़ोन आ गया, और फ़ोन पे जैसे ही फ़ोन उठाया कोई चिल्लाने लग गया उन पर। अभी बोले क्या हो गया, और वो कुछ सुने थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वो कुछ बोला था, इतना गुस्से में था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बोल रहा था ऐसे ऐसे ऐसे। तो फिर उनको लगा कि शायद क्या कभी क्या होता है, कभी भक्त जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ज़्यादा ही उत्साही हो जाते हैं, तो क्या होता है कभी कभी वो लोगों को ज़बरदस्ती किताब दे देते हैं, न केवल ज़बरदस्ती किताब दे देते हैं, वो क्या करते हैं कभी अभी ऐसे हुआ है, ये अच्छा नहीं है, कभी कभी उत्साह के नाम पर कुछ हो जाता है, तो कभी कभी वो लोगों को ऐसे बोलते हैं कि ये किताब में वो चीज़ें हैं जो उसमें है ही नहीं। तो ऐसा बोल के वो कभी ग्रंथ बांट देते हैं, तो फिर बाद में वो व्यक्ति किताब पढ़ता है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो फिर वो उसको लगता है कि ये क्या है इसने। तो फिर क्या होता है, अभी क्या है, हर चीज का हम संबंध भगवान से जोड़ सकते हैं, पर वो संबंध कैसे जोड़ना है वो व्यक्ति को समझाना चाहिए हमको। तो कभी कभी क्या होता है, ज्यादा उत्साह से कुछ कर देते हैं, फिर कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, तो ये वक्त को लग रहा था कि शायद किसी ने ऐसे किया है इसलिए गुस्सा हो गया है। तो पर बाद में वो उसको शांत हो बोला था, फिर वो व्यक्ति बोल रहा था कि वो फोन पर बताया था कि आपको एक हफ्ते पहले मुझे किसी भक्त ने एक ग्रंथ दिया और वो पढ़ा, और उसमें मैंने ये मंत्र सुना, मंत्र देखा, और मैं पढ़ा उसके बाद मंत्र के बारे में बोला था, और मैं उसको उच्चारण नहीं आता, हर कृष्ण 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 हर हर, हर राम 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 हर हर, राम राम हर हर। तो उसमें क्या है, इंग्लिश वो
इंग्लिश में रैम होता है, आर ए एम ए, रैम मतलब वही जानवर का नाम होता है, तो वो रैम रैम तो बोला ये मंत्र में जप करने लग गया, और वो बोला था कि मैं कई सालों से शराब पिया करता था, और मैं कई सालों से शराब छुड़ाने का प्रयत्न कर रहा था पर छूट नहीं रहा था, अभी मैं ये जप चालू कर दिया और शराब की इच्छा ही चली गई। तो बोल रहा था कि तब ये मकसूद थे, तो उनको बड़ा आनंद हो गया, ऐसा परिवर्तन हो गया। फिर वो उनको याद आया कि जब फोन उठाया तो ये डांट रहा था, ये गुस्सा हो रहा था, तो गुस्से होने की बात क्या है? तो फिर उन्हें बताया कि तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली पद्धति है, इतना शक्तिशाली ज्ञान है, तुमने इससे पहले मुझे क्यों नहीं दिया? तो इसलिए वो डांट रहा था। मैं इतने सालों से संघर्ष कर रहा था, मुझे पहले मिल जाता तो मैं आसानी से ये छोड़ देता था। तभी क्या है कि जब इस तरह से हम किसी के जीवन में परिवर्तन देख लेते हैं कि उसकी कोई बुरी आदत है और छूट जाती है, और ये भक्ति की शक्ति है, भक्ति की अंतिम शक्ति जो है कि हमें भगवान से जोड़ देती है, पर भक्ति की ये भी शक्ति है कि हमारी जो बुरी चीज़ें हैं उसे छुड़ा देती है हमको। तो ऐसा परिवर्तन हम देखते हैं तो हमको लगता है अरे ये हरे कृष्ण महाद्र इसके जीवन में ऐसा परिवर्तन कर रहा है तो मेरे जीवन में भी कुछ करेगा, मेरे मुझे भी अच्छे से जप करना चाहिए। तो जो हम कर रहे हैं उसकी कीमत और हम अधिक रूप से समझ सकते हैं जब हम ये दूसरे को देते हैं और उनके जीवन में परिवर्तन देखते हैं। और अगर हम किसी को भक्ति में, भक्ति के मार्ग में लाने में मदद कर सकते हैं और फिर उनके जीवन परिवर्तन देखते हैं, उससे एक बहुत दिव्य संतुष्टि मिलती है, न केवल एक भगवान की कृपा मिलती है पर हमारा खुद का विश्वास बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए एप्रिसिएशन जो है कि अगर हम लोगों को भगवत ज्ञान देते हैं और हम मासिकों का वितरण करते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा हम खुद जो हमारे पास है, जो खजाना है, जो कीमती चीज़ है, उसकी सराहना बढ़ जाती है। ये था ए। इसके बाद में क्या है, आर। आर का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। अभी जिम्मेदारी का मतलब क्या है कि हम सब वास्तव में अभी भक्ति तो कर रहे हैं पर भक्ति करते समय अलग अलग प्रकार से भक्ति हो सकती है। एक है कि हम खुद मंदिर में आते हैं, तो अभी मान लीजिए कोई हम किसी मित्र को बुला रहे हैं, आप मंदिर में आओ, मंदिर में आओ, और आते नहीं बाद में अंत में आ जाते, तो हमको अच्छा लगता है मंदिर में एक बार तो आ गए, तो हम फिर आप में हम बोलेंगे अभी अगले बार ये भी उत्सव है आप आ सकते हैं, और अगर वो आ गए तो अच्छी बात है। पर अगर वो न केवल आते हैं, अपने और दो मित्र को लेके आ जाते और फिर बोलते हैं ये मंदिर ऐसा है, यहाँ पे ये ऐसा है, वहाँ पे ऐसे, तो इसका मतलब क्या है कि नाउ दैट पर्सन इज नो लॉन्गर द गेस्ट एट द टेम्पल, दैट पर्सन इज अ होस्ट एट द टेम्पल। वो केवल एक मेहमान के रूप में नहीं आ रहे, हम उनको बुला रहे और वो आ रहे, पर वो दूसरों को मेहमान के रूप में यहाँ पे ला रहे। और अगर जब कोई ऐसा करता है मतलब क्या है, उनका कुछ उनको मंदिर अच्छा लगा है, उनका मंदिर से कुछ संबंध जुड़ा हुआ है और इसीलिए वो दूसरों को ला रहे हैं। तो उसी तरह से क्या है कि जब हम भक्ति करते हैं तो पहले जो भक्ति की विधि है, भक्ति का ज्ञान है, वो हम क्या कर रहे हैं, हम आके सुनते हैं, ये अच्छा है। पर वही ज्ञान सुन अगर हमको अच्छा लगता है तो हम सोचते हैं कि ये दूसरों को भी सुनना चाहिए और दूसरों को भी हम लाते हैं, तो फिर उससे क्या हो रहा है, हम एक प्रकार से जिम्मेदारी ले रहे हैं कि ये ज्ञान न केवल मुझे चाहिए, मुझे दूसरों को भी देना है। और भक्ति में हम प्रगति उस हद तक करते हैं जितना हम जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया था कृष्ण भावना का मतलब क्या है, बहुत बार पूछा गया था, अलग अलग जगह पे प्रभुपाद जी ने अलग अलग जवाब दिए हैं। अभी कहते हैं कृष्ण भावना का मतलब यह है कि हम हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन्य सदा हरि, ये सत्य है। उसका मतलब है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु, भगवान का स्मरण हमेशा करो, यह भी सत्य है। पर इस प्रवचन में प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भावना का मतलब क्या है कि अगर आप मंदिर में आते हैं, भगवान के सामने आप प्रणाम करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, अगर आपको लगता है कि भगवान मुझे पूछ रहे हैं,
तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग फॉर मी. अगर हमको ऐसे लगता है कि भगवान हमें पूछ रहे हैं तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं वो कृष्ण भावना है. यो क्या है, जब अगर हमको ऐसे लगता है मतलब हम समझते हैं कि भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, और जब सेवक के स्वामी के पास जाता है तो पूछता है स्वामी आप क्या कर रहे हो. अधिकांश लोग मंदिर में आते हैं और भगवान से पूछते तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो. मैंने ये प्रार्थना की थी, मैंने ये किया था, मेरी ये समस्या है, कब होने वाला है, कब ये समस्या जाने वाली है, कब ये होने वाला है. अभी किसी भी पद से मंदिर में आए तो अच्छा ही है, पर जब हम मंदिर में आके भगवान को पूछ रहे तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, तो क्या है, हम वास्तव में तभी भगवान को इस्तेमाल कर रहे हैं. मेरी समस्या है और भगवान तुम्हें समस्या का हल कर दो, ये भी अच्छा ही है, पर क्या है, इसमें हम भगवान की पूर्ण क्षमता को समझ नहीं रहे. अभी क्या है, भगवान हमसे शक्तिशाली है, ये समस्या का हमें हल नहीं है, हम हल नहीं कर पा रहे, भगवान हमसे शक्तिशाली है, भगवान उसका हल कर देंगे, ये भाव है हमारा, ये अच्छा भाव है. पर भगवान न केवल हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, पर वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान भी है. तो जब हम मंदिर में आके भगवान से तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, तो उसमें भाव क्या हो जाता है कि भगवान हम दोनों एक संबंध बना लेते हैं, और संबंध के शर्त क्या है, संबंध के टर्म्स क्या है, कि मेरी बुद्धि और तुम्हारी शक्ति, मेरी बुद्धि से मैं योजना बनाऊंगा, तुम अपनी शक्ति से योजना चलाओ. तो अभी भगवान से क्या होता है, इस तरह का संबंध अगर हम रखते हैं तो हम भगवान की जो दिव्य बुद्धि है उसको हमारे जीवन में कार्य करने का मौका ही नहीं दे रहे. पर हम समझते हैं कि भगवान हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है. हम जरूर हमारी बुद्धि सोच सकते ये समस्या है, मुझे लगता है ये हल है इसका, हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, पर करिष्ये वचनम तव, भगवान आपकी जो इच्छा है मैं करूँगा, आपकी जो योजना है वो मुझे समझने दो और मैं उस योजना में सहभागी हो जाऊँगा. तो अगर वो भाव रखते हैं, वो भाव मतलब वास्तव में भक्ति में प्रगति का भाव है. इस भाव अभी भगवान हमें पूछे तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, क्या कर भगवान क्या चाहते हैं हमसे. भगवान चाहते हैं, सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहते हैं, कि जो हमें धन मिला है, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिला है, वो दूसरों को दे, वही भगवान की सबसे बड़ी इच्छा है. इसीलिए अगर हम पुनः ये भगवत ज्ञान जो है, भगवत दर्शन जो है, वो दूसरों को बांट रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा में एक जिम्मेदारी ले रहे हैं. और जितनी हम जिम्मेदारी लेते हैं उतनी हम प्रगति करते हैं. अभी आध्यात्मिक प्रगति मतलब क्या है वास्तव में, वो एक भगवान से संबंध जोड़ना है, भगवान से प्रेम पूर्ण संबंध जोड़ना है. और प्रेम पूर्ण संबंध जोड़ने का मतलब क्या है कि जिम्मेदारी लेना. अगर जितनी हम किसी संबंध में जिम्मेदारी लेती है उतना ही वो संबंध सुदृढ़ बनता है. अगर मान लीजिए कोई घर में कोई पति पत्नी है, पति अपनी पत्नी से कहता है, वो पति दिन भर घर में ही बैठा रहता है, कुछ नौकरी नहीं कर रहा है, और पत्नी कहती है हमारे घर में कुछ नहीं है, अभी हमको कोई खरीदना है, अन्न खरीदना है, सामग्री खरीदनी है, बोलती है हमको पैसे चाहिए. पति बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, हाँ पर हमको ये चाहिए, हाँ मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ. अगर प्रेम करते तो जिम्मेदार बनो और कुछ आप नौकरी करो, कुछ पैसे लेके आओ. अगर पति घर आता है थक के और फिर पत्नी बोलती है वो भूख लगी है उसको, तो पत्नी कहती है मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, कुछ खाना दो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, कुछ खाना दो, नहीं मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ. नहीं, जब भी अगर प्रेम है तो उसमें क्या है, जिम्मेदारी लेके हम सेवा करते हैं. अगर सिर्फ प्रेम के वचन करते हैं पर जिम्मेदारी नहीं ले रहे और जिम्मेदारी लेके सेवा नहीं कर रहे, तो वो प्रेम वो केवल एक भावुक प्रेम है, वो एक इट्स नॉट अ रियल लव, इट्स सेंटिमेंटल लव. तो उसी तरह से भगवान की भक्ति भी क्या है, अगर हम जिम्मेदारी से सेवा करते हैं भगवान के लिए, तो फिर वो जो भक्ति है वो सुदृढ़ बन जाती है. तो ये अगर हम भगवान का ज्ञान दूसरों को वितरित कर रहे हैं तो वही हमारी जिम्मेदारी है. प्रभुपाद जी ने स्वयं ये जिम्मेदारी स्वीकार की थी. और प्रभुपाद जी जब उनको पहली बार ये ज्ञान मिला तो बड़े दिव्य आनंदित हो गए वो. पर तभी वो अपने गृहस्थ आश्रम में थे, उनको बड़ी जिम्मेदारियाँ थी और सोचते थे कि अभी मैं ज्ञान का प्रचार नहीं कर सकता, पर मैं गुरुदेव को
धन राशि देकर उनको योगदान करूँगा, पर उनका अब कुछ बिजनेस था इतना अच्छा चला नहीं। तो फिर प्रभुपाद जी ने बाद में खुद बैक टू गॉड मैगजीन चालू कर दिया। अभी उनके गुरुदेव तभी जगत से चले भी थे और कोई उनका गुरु भाई उनको बोल नहीं रहा था तुम क्या नहीं ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो। प्रभुपाद जी खुद की प्रेरणा थी। और अगर आप देखते हैं 1945 में जब प्रभुपाद जी बैक टू गॉडहेड छाप रहे थे तो 1940, 41, 42 उस समय में प्रभुपाद जी बैक टू गॉडहेड छाप रहे थे तो उस समय दुनिया में बहुत बड़ा बड़ी भीषण चीज़ चल रही थी 1944-42 में। किसी को पता है क्या हो रहा था? हाँ, दूसरा महायुद्ध चल रहा था तभी। तो उस समय क्या है कि सरकार लोगों को पेपर भी नहीं दे रही थी, और ख़ास करके क्या हुआ था कि जो बंगाल के जो भारत ब्रिटिश राज में था और ब्रिटेन चाहते थे कि भारतीय सैनिक भारतीय लोग ब्रिटेन के सेना में आ जाए, पर कई भारतीय सैनिक जो थे वो जर्मनी के साथ हो गए थे, सुभाष चंद्र बोस उनके साथ चले गए थे। तो उसके कारण भारतीय जो ब्रिटिश सरकार थी वो सोच रही थी कि अगर भारत में कोई प्रोपेगेंडा हो जाएगा, प्रतिपादन हो जाएगा कि ये इंडियन नेशनल आर्मी का, भारतीय सेना का, तो फिर उससे और भारतीय हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो इसीलिए तभी सरकार ने पेपर जो था वो उसका सप्लाई बहुत कम कर दिया था भारत में, और पेपर की कीमत बहुत बढ़ गई थी। तो कई बार जब प्रभुपाद जी को भगवत दर्शन छापना होता था तो पेपर की कीमत इतनी होती थी कि प्रभुपाद जी को अपना खुद का खाना नाश्ता छोड़ के वो क्या करते थे, बैक टू गॉड के लिए कागज़ खरीदा करते थे। और क्योंकि कागज़ की कीमत बढ़ गई थी पर लोग तो मासिक खरीदने के लिए इतने उत्साही नहीं थे, तो प्रभुपाद जी बैक टू गॉड का कीमत नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो प्रभुपाद जी अपना खून पसीना एक करके तभी बैक टू गॉड छाप रहे थे, और उनका भाव ये था कि ये जो संदेश है हम लोगों को प्रदान करेंगे तो उससे क्या होगा, लोग जो है उनकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ जाएगी। मैं एक यूनेस्को के कॉन्फ्रेंस में गया था, इधर पुणे में ही था कुछ साल पहले, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस था। तो वहाँ पे यूनेस्को के भारत के जो अध्यक्ष आए थे वो बता रहे थे कि यूनेस्को के चार्टर में लिखा हुआ है कि जस्ट एज वॉर बिगिन्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल, पीस ऑल्सो हैज टू बिगिन इन द माइंड्स ऑफ पीपल। युद्ध की शुरुआत कहाँ होती है, लोगों के मन में होती है। लोगों के मन में गुस्सा होता है, क्रोध होता है, हिंसक भावनाएं आती हैं, और फिर उसके बाद में युद्ध चालू होता है। तो उसी वजह से अगर शांति चालू होनी है तो लोगों के मन से शुरुआत होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी, तभी पूरा विश्व महायुद्ध चल रहा था पर प्रभुपाद जी वो आध्यात्मिक ज्ञान देने का प्रयास कर रहे थे जिससे कि लोगों के मन में शुद्धता हो जाएगी, शुद्धि आ जाएगी और शांति आ जाएगी। तो उस समय प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत की, और कई बार वो जो भगवत दर्शन बांटते थे तो तभी दिल्ली में बहुत धूप होती थी। अभी मैं कोई एक हफ्ते पहले दिल्ली में था तो अभी दिल्ली में धूप है पर क्या है, अभी बहुत प्रदूषण हो गया है, स्मॉग बहुत है वहाँ पे। पर इतनी धूप थी, अगर 1942-43 सालों के आप तभी का अगर आप वातावरण देखते हो, अभी आजकल क्या है कि वातावरण के बारे में बहुत संशोधन हो चुका है। तो अभी आप इंटरनेट में कुछ साइट्स पे अगर आप डेटा डालते हो कि इस साल में इस जगह पे वातावरण क्या था, आपको जानकारी मिल सकती है। तो अभी मेरे एक मित्र है वो शिकागो में है, तो वो कल ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, बोले कि विश्व के इतिहास में सबसे कम जो तापमान है वो कल शिकागो में हुआ था, विश्व के पूरे इतिहास में। वो लगभग यहाँ पे कितना -45 degrees टेम्परेचर था, -45। अभी एंटार्क्टिका आर्कटिक जो है जोन में उससे भी कम हो गया है। तो आजकल वातावरण काफ़ी ख़राब हो रहा है, पर वहाँ पे क्या है क्योंकि वातावरण का बहुत संशोधन भी चल रहा है, तो उसके द्वारा भवि भूतकाल में क्या वातावरण था उसका एक तरह से जाँच कर सकते हैं वो। तो तभी इतनी गर्मी थी कि कई लोगों को 1942-43 की बात है कि कई लोगों को उस धूप में सनस्ट्रोक आके वो उनकी मृत्यु हो गई थी, पर प्रभुपाद जी उस समय उस धूप में, और उस समय प्रभुपाद जी जवान भी नहीं थे, वो लगभग 50 साल 50 की उम्र हो गई थी उनकी उस
लगभग। तो उस समय में वो चल रहे थे, वो जा रहे थे, भगवत दर्शन बांट रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जिम्मेदारी ली थी, ताकि मुझे भगवान का संदेश वितरण करना है। जब जिम्मेदारी लेते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ यश नहीं मिलेगा, पर बाद में कई सालों तक प्रभुपाद जी को यश नहीं मिला, पर बाद में इतना दिव्य पद्धति से यश मिल गया कि विश्व भर में प्रचार हो गया। विश्व भर में जहाँ भी अगर आप जाएंगे, अभी कृष्ण भावना कृष्ण के मंदिर है, कृष्ण भावना अमृत भक्त है। कैसे हुआ? क्योंकि प्रभुपाद जी ने जिम्मेदारी ली। अभी ये भक्त का भाव होता है कि भगवान की सेवा में मैं जिम्मेदारी लूँगा। चैतन्य महापुरुष ने भविष्यवाणी की थी, क्या भविष्यवाणी थी? पृथ्वी ते आचेत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम, कि सब जगह पे भारत विश्व भर में भगवान के नाम का कीर्तन होगा। तो अभी भक्त की, भगवान ने भविष्यवाणी की तो कोई कह सकता है भगवान ने भविष्यवाणी की है, वो खुद पूरी कर लेंगे। पर भक्त का भाव ऐसे नहीं होता है, भगवान की भविष्यवाणी ये मेरी जिम्मेदारी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन का यही भाव था। अभी अर्जुन को भगवान ने विश्व विराट रूप जब दिखाया तो उन्हें दिखाया कि सारे जो दुष्ट कौरव थे उनका नाश हो गया। तो फिर अर्जुन ने ये नहीं कहा, अच्छा भगवान आपने तो उनका नाश कर दिया तो आप ये युद्ध भी कर लो। अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, करिष्ये वचनम तव। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे ही जिम्मेदारी ली और ऐसे दिव्य रूप से भगवान ने उनको यश दे दिया। हम भी अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो हमें भी भगवान दिव्य रूप से उनकी कृपा देंगे, प्रगति देंगे। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान बांटने की जिम्मेदारी हम स्वीकार करेंगे तो उससे हम बहुत तेज़ी से प्रगति कर सकते हैं। ना खेल खुद प्रगति कर सकते हैं, पर दूसरों को भी प्रगति करके दुनिया जो है उसको और शांति और समृद्धि के मार्ग पर हम ले आ सकते हैं। और आखिरी क्या है? ई, ई का मतलब है एक्सटेसी। एक्सटेसी मतलब दिव्यानंद। भगवद्गीता में हम आगे देखते हैं, मैंने 72वां श्लोक बताया, इसके बाद में अर्जुन कहते हैं हाँ कि भगवान मैं समझ गया हूँ और मैं आपकी वाणी का ही पालन करूँगा, आपकी करिष्ये वचनम तव। और उसके बाद में 74 से 78 श्लोक में संजय बात करते हैं। अब जो संदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया वही संदेश संजय ने धृतराष्ट्र को भी दिया, वही सुनाया। तो वह संदेश कृष्ण ने जब अर्जुन को दिया तो अर्जुन का हृदय परिवर्तित हो गया, पर जब वही संदेश संजय ने धृतराष्ट्र को दिया धृतराष्ट्र का हृदय परिवर्तित नहीं हुआ, धृतराष्ट्र वैसे ही आसक्त बना रहा। पर इसके बावजूद अगर हम संजय का भाव सुनते हैं, संजय 76-77 श्लोक में बोलते हैं, संजय ने ये भगवद्गीता सुनी और दोहराई, उसके बाद में क्या हो गया कि भगवद्गीता का कितना दिव्य ज्ञान है उसकी सराहना करने लगे। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिनाश्रौषम अद्भुतम व्योमहर्षणम। बड़ा ही अद्भुत संवाद जो सुनने को मिला मुझे। व्यास प्रसादा श्रुत्वान एतद्गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। ये जो भगवान ने स्वयं संदेश दिया है मुझे, मेरे गुरु व्यासदेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। और फिर वो कहते हैं ये संदेश सुन के मेरे मुझ पर क्या प्रभाव हो रहा है? राजन संस्कृत्य संस्कृत्य संवादमिदम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहु। मैं हर पल हर्षित हो रहा हूँ। और वही भाव दूसरी बात वही श्लोक में, दूसरे श्लोक में आते हैं, ये 76वां 77वां श्लोक है। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो भगवान का संदेश जब हम देने का प्रयास करते दूसरों को तो उससे क्या होता है, उसके द्वारा भला ही दूसरा व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो या ना हो, हम स्वयं कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। और जैसे संजय संतुष्ट हो गया है वैसे हम भी दिव्य संतुष्टि हर्ष का अनुभव करेंगे। तो क्या होगा, वो हम यहाँ पे है, वो यहाँ पे है, भगवान यहाँ पे है। अभी वो व्यक्ति भगवान का संदेश स्वीकार करेगा तो उनका कल्याण हो जाएगा, पर हम भगवान का संदेश देने का प्रयास करेंगे उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान प्रसन्न हो जाएगा तो वो हमारे हृदय में भक्ति जागृत कर देंगे, दिव्य आनंद जागृत कर देंगे। तो इसीलिए हम हर्षित हो ही जाएंगे। तो ये जो है यह केवल हम दूसरों का कल्याण नहीं कर रहे, खुद का भी कल्याण कर रहे हैं।
इसलिए जितना हो सके उत्साह के साथ हम अगर जो भगवान का संदेश है उसका वितरण करने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे हम जो भगवान की योजना में सहभागी होकर दूसरों का कल्याण करेंगे और खुद का भी कल्याण कर पाएंगे। तो सारांश में आज मैं चर्चा की किस तरह से कि जो भगवद गीता का जो ज्ञान है वह एक दिव्य खजाना है कि किसी बीमार व्यक्ति के लिए दवाई सबसे बड़े धन है, किसी गुमराह व्यक्ति के लिए कोई नकाशा या दिशा सबसे बड़ा धन है। तो उसी तरह से जीवन में अगर हमारा मन घूम गया है, गुमराह हो गया है, तो जीवन का उद्देश्य देने वाला जो ज्ञान है वो सबसे बड़ा धन है। आजकल के जीवन में बहुत से लोग गुमराह हो गए, ये हम इस तरह समझ सकते हैं कि वो लोग आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन हो जाता है उनको, बुरी आदतों में फंस जाते हैं क्योंकि दुनिया जीवन में उनके लिए कोई प्रेरणादायक दिशा नहीं है। तो अर्जुन भी इस तरह से ही गुमराह हो गए थे, हताश हो गए थे, पर भगवान ने भगवद्गीता का ज्ञान देकर उस धन के द्वारा अर्जुन का सारा जो दुख है, मोह है, सब दूर कर दिया। तो वही जो धन है हमें मिला है और ये धन का वितरण करना ये हमारा भी मौका है। तो उसके समय मैंने आज का प्रवचन था शेयर, एस क्या था, साधना, कि जो हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, उससे हमारा संबंध भगवान से जोड़ता है। उसी तरह से दूसरों को भगवान का संदेश देने से भी हमारा संबंध भगवान से जुड़ता है, यह भी एक सेवा है। तो हमें शुद्ध होने की ज़रूरत नहीं है, जिस स्तर पे हम हैं उस स्तर से हम भगवान का संदेश दे सकते हैं। और ख़ास करके मासिकों के रूप में देते हैं तो क्या है, उसमें छोटा होता है, छोटा मासिक होता है, छोटे लेख होते हैं, वो आसानी से पढ़ सकते हैं, नयापन होता है, आजकल के जो विषय है उस पर आधार पर कुछ लेख होते हैं, लोग पढ़ सकते हैं। फिर एच क्या था, ह्यूमिलिटी, नम्रता। जो लोग भक्ति स्वीकार नहीं, आसानी स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनको उनको जाके समझाने में हमको नम्रता आती है। जब दूसरा व्यक्ति नम्र नहीं है उससे बातचीत करने के लिए हमें नम्रता जागृत हो जाती है, और नम्रता जब हो जाती है तो हमारा हृदय खुल जाता है जिससे कि भगवान हमारे हृदय में आ सकें, हम भगवान के करीब जा सकें। और नम्रता कैसे, वो जो भक्त इसराइल में नम्र रह गए और उसके कारण जो व्यक्ति उन पर थूक गया था वो बाद में आके उनसे ग्रंथ ले लिया कि तुम इतना संयम कैसे रख सकते हो अपने क्रोध पे। तो उस तरह से हम नम्रता से कैसे किसको प्रभावित कर सकते हैं, यह भगवान के चमत्कार की योजना हो सकती है। फिर ए क्या था, एप्रिसिएशन, कि जो हमें ज्ञान मिला है उसकी सराहना हम तब ज़्यादा कर पाते हैं, उसकी कीमत हम अधिक समझाते हैं जब दूसरों को देते हैं। जैसे कोई दवाई बनाने वाले हैं, वो देखते हैं दवाई कितनी कीमती है, कितना वास्तविक जीवन के लोगों के जीवन में फ़र्क कर सकती है, तो फिर दवाई और ध्यानपूर्वक बनाते हैं। उस तरह से ये रशिया में जो भक्त है वो जो आदमी था रशियन, वो कई सालों से शराब छोड़ नहीं पा रहा था, पर गीता आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके और जप करके परिवर्तित हो गया। तो फिर वो उसकी कहानी सुन के, अरे तो पहले हमारे जीवन में भक्ति के द्वारा स्थूल रूप में परिवर्तन होता है, बाद में सूक्ष्म परिवर्तन होता है। तो सूक्ष्म परिवर्तन हमको दिखता नहीं है, इसीलिए अगर हम किसी में स्थूल परिवर्तन होते दिखता है तो उससे हमको इसके शक्ति में हमको वापस पुनः विश्वास आ जाता है, हम उससे प्रेरणा के साथ भक्ति कर सकते हैं। फिर क्या था, आर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जब भगवान का संदेश दूसरों को देने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, मतलब क्या है, हम केवल एक मेहमान नहीं हैं, हम यजमान बन रहे हैं। और जैसे कि हम जब हम दूसरों को ज्ञान दे रहे होते हैं तो क्या है, कृष्ण भावना का मतलब क्या है, हम भगवान के सेवक हैं, और सेवक के रूप में जो ज्ञान वो देने आए हैं दूसरों को दे रहे हैं। अधिकांश लोग आते हैं भगवान के साथ, पूछते हैं हाँ आप मेरे लिए क्या कर रहे हो, पर भक्त का भाव होता है कि भगवान हमें पूछ रहे हैं कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। तो अगर ऐसा भाव हम में है तो हम कृष्ण भावना भावित है। जब इस तरह से जो कोई भी प्रेम होता है, प्रेम में संबंध होता है, उसमें वो केवल भावुक नहीं, सत्य तब होता है जब कोई जिम्मेदारी ले रहा है, जिम्मेदारी लेके सेवा कर रहा है, जैसे पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो। तो वैसे ही हमारी भक्ति बहुत सुदृढ़ हो जाएगी जब हम भगवान के लिए जिम्मेदारी लेके कुछ सेवा करेंगे, जिम्मेदारी लेके भगवान का संदेश का प्रतिपादन करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी ने वृद्धावस्था में जिम्मेदारी ली और भूखे होते हुए बहुत ही गर्मी में भी लोग बहुत वहाँ पे
प्रचार करते रहे और प्रभुपाद जी को दिव्य यश दे दिया प्रभुपाद जी ने, भगवान ने. और फिर आखिरी ई क्या था? एक्सटसी, दिव्यानंद. कि जैसे संजय यशस्वी नहीं हुए धृतराष्ट्र का हृदय परिवर्तित करने में, फिर भी धृतराष्ट्र को कृष्ण भावना का संदेश देते हुए संजय स्वयं कृष्ण भावना भावित हो गए. तरह से दूसरों को जब हम देने का कृष्ण भावना का संदेश देने का प्रयास करेंगे तो भले ही वो स्वीकार करे न स्वीकार करे, हम कृष्ण भावनामयित हो जाएंगे, हम दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे. इसलिए ये ऐसा खजाना, ये ऐसा धन है जो हम दूसरों को देने का प्रयास करेंगे, दूसरे स्वीकार न करे, करे या न करे, पर हमारे पास का जो धन है वो और बढ़ जाएगा. इस तरह से हम दूसरों का भी कल्याण कर पाएंगे और खुद का भी कल्याण कर पाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. श्री प्रभुपाद की, श्री प्रभुपाद भगवत दर्शन डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की, गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद की.